बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने और आई थिंक बहुत मेहनत की है और आई एम सो ग्लैड कि उनको ये अच्छा लग रहा है, लोगों को पसंद आए, वही उम्मीद से बना है पिक्चर तो अच्छा है। अगर रिस्पॉन्स तो अच्छा है, आई थिंक पब्लिक को पसंद आ रही है तो वेरी हैप्पी। शाहरुख खान के किरदार को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, उनके डायलॉग्स को लेके नवाज को लेकर। हाँ, शाहरुख भाई बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने और आई थिंक बहुत मेहनत की है और आई एम सो ग्लैड कि उनको ये रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि हम चाहते थे कि वो ये रईस का जो कैरेक्टर है वो अलग तरीके से थोड़ा प्ले करे तो, और उन्होंने तो कमाल ही किया है कि तो रिस्पॉन्स देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। और नवाज़ का भी तालियां बहुत बढ़िया, आज मैं गया था केटी में देखने के लिए तो नवाज़ को भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। डायलॉग्स तो खैर वो तो ऑडियंस बोलना शुरू कर दी अभी थिएटर में तो एक तरीके से अच्छा लगता है। इंडस्ट्री से क्या किससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिला, कुछ बताना शेयर करना चाहिए? मैं तो एक्चुअली मेरा फ़ोन ही बंद कर दिया हूँ क्योंकि मेरे को डर लगता है फर्स्ट डे कि क्या रिएक्शन आएगा, कैसे आएगा तो, बट आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा है तो सबको अच्छी लगी है, बहुत अच्छा है। और सर, रेलवे में जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है जो एजेंट की माउंटेन पर, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं भी ट्रेन में था और कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, इट्स अनफॉर्चुनेट जो हुआ है और वो जर्नलिस्ट ट्रेन में भी हमारे साथ, इट्स वेरी सैड दैट हर अंकल पास्ड अवे, ये तब तो मीठा रहे थे, सो रियली सॉरी फॉर दैट। सर, कितना 100 करोड़ वो रितेश को पूछो, पैसे का आप उसको पूछो। थैंक यू सर, एंड बेस्ट।